हेलो गाइस, आई एम शुभम द्रवादे और आज अपन करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 10। सो इससे पहले जो 9 लेक्चर हुए हैं, तो पहले दो लेक्चर में अपन ने पूरा बेसिक कवर किया है। जो बाकी के 7 लेक्चर है उसमें न्यूमेरिकल ये है। सो अगर आप शुरू कर रहे हैं, ये पहला वीडियो है, तो आप जाइए पहले के दो बेसिक लेक्चर जो है वो देखिए, उसके बाद जो न्यूमेरिकल किया है अपन ने वो देखिए। ठीक है, अभी अपन करेंगे आज न्यूमेरिकल नंबर 10। सो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 60 mm एंड हाइट 80 mm विच इज रेस्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस ऑन HP विथ एक्सिस इंक्लाइंड 30° टू HP एंड टॉप व्यू ऑफ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60° टू VP। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 60 mm। तो अपने को दिया गया है सॉलिड यहाँ पर सिलेंडर, तो अपने को पता है सिलेंडर का जो बेस है वो हमेशा सर्कल जाएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो है 60 mm एंड जो हाइट है अपना जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट कितना है 80 mm है। बोल रहा है इज रेस्टिंग ऑन पॉइंट ऑफ इट्स बेस ऑन HP। तो अपने को ये तो पता चल गया कि अपने को बनाना है सर्कल, अपने को बनाना है सर्कल, और सर्कल बनेगा कहाँ, XY लाइन के नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है ऑन HP। तो सबसे पहले अपन XY लाइन बनाएंगे। ये हो गई अपनी XY लाइन, ये X और ये Y। अब अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, 90° का एंगल लेंगे और परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये अपना लाइन बन गया है। अभी क्या करेंगे, अपने को क्या बोला गया है, अपने को बोला गया है कि अपने को 60 mm का डायमीटर का सर्कल बनाना है, तो अपन 30 mm का रेडियस लेंगे। ये अपना सर्कल बन गया। अभी अपन इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप इसको चाहे तो 12 पार्ट में भी कर सकते हो। 12 पार्ट में करोगे तो आपका एलिप्स अच्छा बनेगा, 8 में करोगे तो थोड़ा बट बनेगा अच्छा ही, बस टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है 12 पार्ट में बनाना, तो अपन 8 पार्ट में बनाएंगे। आप चाहे तो 12 में बना सकते हो। अभी मैं ये लाइन पर अपना प्रोजेक्टर रखूंगा, 3 एंगल लूंगा, 45, 90 और इधर से भी 45। इन 3 एंगल दिए हैं और इनको जोड़ लूंगा अब मैं। ये मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आप फॉरेस्ट से बनाना, ये मेरी गलती से मतलब ब्लू पेन से बना लिया, ये रेड पेन से होना चाहिए था, बट आप जब भी बनाओगे तो ये 4H से बनाना। ये जो इनर लाइन्स है ये हमेशा 4H से आनी चाहिए। अभी अपन क्या करेंगे, इनको नेमिंग देंगे। एज ये अपना सिलेंडर है, एज ये अपना सिलेंडर है, तो ऊपर भी सर्कुलर बेस रहेगा और नीचे भी सर्कुलर बेस रहेगा, तो इसका जो नेमिंग है वो डबल रहेगा। यहाँ पर A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 और H8, और ये रहेगा अपना OP। ठीक है, और इसका जो डायमीटर कितना है 60 mm। अभी क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं अपन इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। ये अपन ने सारे पॉइंट प्रोजेक्ट कर लिए। अभी अपन यहां से 80 mm डिस्टेंस लेंगे, यहां से अपन 80 mm डिस्टेंस लेंगे और XY को पैरेलल लाइन बना लेंगे। ये बन गया, अभी अपन इसको नेमिंग देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो ये जो ये नीचे वाला बेस है, ये ऊपर वाला बेस है, अपन नीचे वाले बेस को ABCD के फॉर्म में लिखेंगे और ऊपर वाले बेस को 1-2 के फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर A' आएगा, यहाँ पर आएगा B', H', यहाँ पर आएगा C', G' और P', यहाँ पर आएगा D', F' और यहाँ पर आएगा E', ऊपर आएगा ये 1', ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट रहेगा 2', 8', ये पॉइंट रहेगा 3', 7' और O'। 3', 7' O', ये पॉइंट रहेगा 4', 6', ये वाला, और ये पॉइंट रहेगा 5'।
ठीक है। अभी अपने को क्या बोला है, अभी अपना जो पहला रूल है आउटर पॉइंट्स को डार्क करना है, तो जो आउटर पॉइंट्स इनको डार्क करेंगे अपन, ये अपन ने आउटर पॉइंट्स डार्क कर लिए। अभी अपने को क्या बोलता है, ड्रॉ द बेस, बेस ऑलरेडी ड्रॉ है, यहाँ पर एजेस होते नहीं है, दो जनरेटर जो थे वो ऑलरेडी डार्क हो चुके हैं, और जो फोर्थ रूल क्या है अपने एक्सिस बनाना है, और एक्सिस बनाएंगे ओ डैश पी डैश, ये अपना एक्सिस है, ये अपन एक्सिस बना लिया है, और ये जो अपना सिलेंडर इसका हाइट कितना है 80 mm, ये हो गया अपना ट्रू शेप ऑफ बेस, और ये हो गया अपना ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है विच इज रेस्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। तो अपना जो ये सिलेंडर है, अपना ये जो सिलेंडर है वो एचपी पर रेस्ट कर रहा है, बोले एचपी पर रेस्ट कर रहा है, कैसे, इसका जो एक्सिस है, उसका जो एक्सिस है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एचपी, 30 डिग्री का एंगल बना रहा विद एचपी। तो ये जो अपना एक्सिस है ओ डैश पी डैश, ये एक्स वाई के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साथ ही में क्या कह रहा है कि जो बेस है, बेस का पॉइंट है ई डैश, वो एचपी पर है, वो भी एचपी पर है, और जो अपना जो एक्सिस है वो 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे अपन, यही कहीं पर अपन ई डैश ले लेंगे, यही कहीं पर अपन ई डैश ले लेंगे, यहाँ पर अपन ई डैश ले लेंगे, और यहां से 60 का एंगल लेंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था जब भी एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, जब भी अपने को एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, तो अपन क्या करेंगे 90 माइनस, अपन क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे जब भी एक्सिस के साथ दिया रहेगा, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपने पास कितना एंगल दिया है एक्सिस के साथ 30 डिग्री, ठीक है, और कितना बचेगा 60, तो अपन 60 लेंगे यहां से, कितना लेंगे 60, मैंने 60 डिग्री एंगल ले लिया है। अभी अपन क्या करेंगे ई डैश से ए डैश का डिस्टेंस ले, यहां पर ई डैश पर रखेंगे और कट कर लेंगे, ई डैश पर रखेंगे और कट कर लेंगे, अपने को इधर क्या मिलेगा, अपने को इधर मिलेगा ए डैश, इधर क्या मिलेगा अपने को ए डैश। अभी अपन क्या करेंगे, अभी ई डैश पर पॉइंट रखेंगे, अपना प्रोजेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल मार्क कर लेंगे, अपने यहाँ पर इडैश पर प्रोजेक्टर रखा, 90 डिग्री का एंगल मार्क किया और यहाँ पर लाइन बना ली। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे, इडैश पर रखेंगे और इधर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा 5 डैश, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा 5 डैश, यहाँ पर अपने को 5 डैश मिलेगा, फिर 5 डैश से 1 डैश का डिस्टेंस, सॉरी 1 डैश से ए डैश से 1 डैश का डिस्टेंस लेंगे जो सेम ही है, और 5 डैश से 1 डैश का डिस्टेंस लेंगे, फाइव डैश पर रख के कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो अपना पॉइंट मिला है ये क्या है, ये है 1 डैश, ये है 1 डैश, अभी अपन 1 डैश और ए डैश को जोड़ लेंगे, और 1 डैश और 5 डैश को भी जोड़ लेंगे, जो आउटर पॉइंट से उनको डार्क कर लेंगे, अभी ई डैश से बी डैश एच डैश का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, ई डैश से बी डैश एच डैश का डिस्टेंस लेंगे, इधर कट कर लेंगे, अगर ए डैश से डी डैश एफ डैश का डिस्टेंस लेते हैं तो सेम ही रहेगा, ई डैश बी डैश एफ डैश और ए डैश डी डैश एफ डैश, तो यहां पर रखूंगा और कट कर लूंगा, फिर ई डैश से सी डैश जी डैश पी डैश का डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ पर रखकर कट कर लूंगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बी डैश एच डैश, यहाँ पर डी डैश एफ डैश, यहाँ पर सी डैश जी डैश और पी डैश। और अपन क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसको पैरेलल लाइंस बना लेंगे, यहाँ पर रेड पेन से तो यहाँ पर भी रेड पेन से ही बनेगा, हमेशा रखना जब भी आप बना मतलब ड्राइंग बुक में बनाते हो तो रेड पेन यानी 4H पेंसिल, और जो अपन ब्लू पेन से बना रहे हैं वो H पेंसिल, यहाँ पर बस रेड पेन से बना लेना है जो लाइंस बनाए हैं इंटरनल, गलती से मैंने ब्लू पेन से ही बना ली है, और देखिए अपने को एक्सिस भी ज्वाइन करना है, ये हो गया अपना एक्सिस,
ये एक्सिस को अपन एक्सटेंड करेंगे, ये अपने एक्सिस को एक्सटेंड किया है तो देखिए ये अपना एंगल कितना आएगा, ये देखेंगे, देखिए एंगल एकदम 30 डिग्री आ रहा है, एंगल आ रहा है 30 डिग्री। अपन ने 60 लिया था, अपन ने 60 लिया था, ये 90 है तो ये अफकोर्स 30 ही आएगा। तो देखिए अगर अपन कहीं से भी 30 डिग्री ले लेते तो मान लीजिए अगर अपन थोड़ा ये जो है 30 डिग्री थोड़ा इधर पीछे अगर ले लेते तो ई डैश ऊपर चले जाता, अगर इधर आ जाते इधर ले लेते तो ई डैश नीचे चले जाता। तो अपने को बोला गया है जो बेस है, बेस का जो एज है मतलब बेस का जो पॉइंट है वो एचपी पर आ रहा है। तो ये हो गया, ऊपर वाले को भी नाम दे देंगे, ये क्या है 2-8-, ये है 3-7-, 4-, ये है 4-6-। तो ये हो गया अपना टू शेप ऑफ बेस, ये हो गया टू शेप ऑफ सॉलिड, ये हो गया डिजिटेड सॉलिड, जिसको अपन फ्रंट व्यू भी कहेंगे क्योंकि इस पर डैश लगे हुए हैं। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके प्रोजेक्टर नीचे लाएंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये जो इसके जो प्रोजेक्टर्स है ये इधर लाएंगे पैरेलल टू एक्स वाई। अभी देखिए अपन ने सारे प्रोजेक्टर्स ये पॉइंट के प्रोजेक्टर्स नीचे ला लिए, और ये प्रोजेक्टर्स राइट साइड में लेके गए। अभी क्या करेंगे, अपन सारे पॉइंट्स को नाम दे देंगे, ए इधर से आ रहा, ए इधर से आ रहा, ये बनेगा A1, A1 बनेगा, बी इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, ये B1 बनेगा। इसी तरह मैं सारे पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। तो अपन ने सारे पॉइंट्स को नाम दे दिए हैं। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपना जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उनको डार्क कर लेंगे, जैसे G1, 7-1, और ये C1, 3-1, हो गया। और देखिए ये जो सारे पॉइंट्स है इसका इलिप्स बनेगा, तो ये जो इलिप्स के एक्सटर्नल पॉइंट्स है ये भी जोड़ लेंगे अपन, बनाएंगे ये वाले और ये वाले एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये देखिए अपन ने ये वाले भी एक्सटर्नल पॉइंट बना ले, ये भी बना ले। अभी देखिए अगर अपने जो प्रोजेक्टर से इधर से आ रहे, अपने जो प्रोजेक्टर से इधर से आ रहे, तो अपने को कौन सा बेस दिख रहा है, नंबर वाला बेस दिख रहा है, 1-2-, ये वाला बेस दिख रहा है, मतलब ये जो है वो डार्क बनेगा, ए डैश वाला बेस नहीं दिख रहा, तो ये जो बनेगा वो डॉटेड बनेगा, ये जो बेस बनेगा वो डॉटेड बनेगा। ये डॉटेड बना है और ये जो बनेगा ये डार्क बनेगा। देखिए ये दोनों इरेज बन गए, अपने एक्सटर्नल पॉइंट डार्क कर लिए हैं, और ये जो देखिए ऊपर से देख रहे तो अपने को नंबर वाला जो बेस है वो दिख रहा है, तो अपने डार्क बना लिया, और ये जो है ये नहीं दिख रहा है तो डॉटेड बना लिया। और अभी क्या करेंगे, अपन एक्सिस बना लेंगे, एडजस्ट होते नहीं है, जनरेटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी अपन एक्सिस बनाएंगे। ये बन गया अपना टॉप व्यू। अभी अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
टॉपी ऑफ द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉपी का जो एक्सिस है वो 60 डिग्री बना रहा है बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू वीपी। तो अपना ये जो एक्सिस है इसको अपन एक्सटेंड करेंगे, एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ओनली एक्सिस तो अपने को बीटा एंगल फाइंड करना पड़ता, लेकिन टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस बोला गया है तो अपने को बीटा एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी एंगल है वो लेना अपन लेना है। सो अभी अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट पे अपन कहीं भी 60 डिग्री एंगल मेजर कर लेंगे। अपन ने नया रेफरेंस लाइन बनाया, एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है इसके प्रोजेक्टर्स नीचे लाएंगे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और ये क्या है, ये है एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, ये है अपना रेफरेंस एक्सिस, ये है अपना रेफरेंस एक्सिस। ये पॉइंट से अपन 90 डिग्री का एंगल लेंगे और सारे प्रोजेक्टर्स नीचे लाएंगे। तो अपन ने सारे प्रोजेक्टर्स नीचे ले लिए, अभी क्या करेंगे अपन, अभी देखिए अपने को ये जो फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पर इसके लिए ये फ्रंट व्यू का यूज होगा। तो अभी अपन देखिए ये जो ई डैश है ये एक्स वाई पर है, तो ये जो ई का प्रोजेक्टर रहेगा ये भी ई डैश पर एक्स वाई पर एक्स वन वाई वन पर ही आएगा, ये रहेगा ई वन डैश। अभी अपन क्या करेंगे, ए वन डैश का डिस्टेंस लेंगे, एक्स वाई से ए वन डैश का डिस्टेंस लेंगे, अपन ने एक्स वाई से ए वन डैश का डिस्टेंस लिया, ए पे के लाइन पर रखे वन के लाइन से, अपन ने एक्स वाई से वन डैश का डिस्टेंस लिया, वन के प्रोजेक्टर पे रखा और यहाँ पर कट कर लेंगे, यहाँ पर कट कर लेंगे, यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, वन वन डैश, वन वन डैश, फिर अपन एक्स वाई से टू डैश एट डैश की का डिस्टेंस लेंगे, एट पर रखेंगे कट कर लेंगे, टू पर रखेंगे कट कर लेंगे, ये रहेगा अपना टू वन डैश, ये रहेगा एट वन डैश, फिर यहां से थ्री डैश सेवन डैश ओ डैश को कट करेंगे, इतना डिस्टेंस लेंगे, थ्री डैश सेवन डैश ओ डैश का जो डिस्टेंस है वो लेंगे, ओ डैश पर रखेंगे कट कर लेंगे, ओ डैश पर रख के कट कर लेंगे, सेवन पे रख के कट कर लेंगे और थ्री पर रख के कट कर लेंगे, थ्री वन डैश ये है ओ वन डैश और ये है सेवन वन डैश। अभी ये या एक्स वाई से फोर डैश सिक्स डैश का डिस्टेंस लेंगे, फोर डैश सिक्स डैश का, सिक्स वाली लाइन पर रखेंगे कट कर लेंगे, फोर वाली लाइन पर रख के कट कर लेंगे, ये रहेगा फोर वन डैश, और ये रहेगा सिक्स वन डैश, फिर एक्स वाई से फाइव वन डैश का डिस्टेंस, फाइव डैश का डिस्टेंस लेंगे, फाइव पर रखेंगे कट कर लेंगे, ये है अपना फाइव वन डैश,
ये अपना नंबर्स वाला बन गया, इसी तरह अपन अल्फाबेट्स वाला भी बना देंगे। देखिए ये अपने सारे पॉइंट्स बन गए। अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जनरेटर्स बने हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन से जनरेटर्स बने, A1 E5 अपोजिट वाले। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कौन से जनरेटर्स बने, सेम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनरेटर कौन से बने, G7 C3। यहाँ पर तो यहाँ कौन से बनेंगे अभी, ये जरूरी है समझना। तो देखिए ये पॉइंट है F1, ये पॉइंट है 6, ये है F1 डैश, ये है 6-1 डैश। जो दोनों पॉइंट्स है एक्सटर्नल है, दोनों पॉइंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए इसके नीचे ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये अफकोर्स एक्सटर्नल हो गए। तो देखिए अपना कौन सा मिला, F6, ये बन गया। तो उसका अपोजिट वाला कौन सा, B2 बनेगा। तो नीचे भी देखिए यहाँ पर B2 बन रहा है। तो ये हो गए अपने एक्सटर्नल जनरेटर्स। अभी क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उनको जोड़ लेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, इलिप्टिकल फॉर्म में। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, इलिप्टिकल फॉर्म में। ये अपने जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है वो बन गए। अभी क्या कर, अभी देखिए ये जो अपने प्रोजेक्टर्स है वो ये साइड से आ रहे हैं, प्रोजेक्टर्स ये साइड से आ रहे हैं। तो अपन इधर से देखेंगे, तो अपने को कौन सा बेस दिख रहा है, ABCD वाला बेस दिख रहा है, ABCD वाला बेस दिख रहा है, 1 2 3 4 वाला बेस नहीं दिख रहा। तो ये जो 1 2 3 4 वाला बेस है ये डॉटेड बनेगा, और ABCD वाला जो बेस है वो डार्क बनेगा। तो अपने दोनों इलिप्स बन गए हैं। अभी क्या करेंगे, अपन अपना जो एक्सिस है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अपना एक्सिस बन गया। तो ये है अपना पूरा सॉल्यूशन, जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसका पूरा सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो प्रॉपर डायग्राम है जो मैंने पेंसिल स्केच बनाया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।